पीयूष गोयल जिन्होंने 5 अद्भुत तरीकों से लिखी है पुस्तकें, उल्टे अक्षरों से लिख गई भागवत गीता भागवत जिटल। आप इस भाषा को देखेंगे तो एक बारगी भौंकचक के रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि यह किताब किस भाषा शैली में लिखी हुई है, पर आप जैसे ही दर्पण शीशे के सामने पहुंचेंगे तो यह किताब खुद ब खुद बोलने लगेगी। सारे अक्षर सीधे नजर आएंगे। इस मिरर इमेज किताब को पीयूष ने लिखा है। मिलनसार पीयूष मिरर इमेज की भाषा शैली में कई किताबें लिख चुके हैं। सुई से लिखी मधुशाला, मैडहशल। पीयूष ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वालों आंखें खुली रह जाएगी और न देखने वालों के लिए एक स्पर्श मात्र ही बहुत है। पीयूष ने पूछने पर बताया कि सुई से पुस्तक लिखने का विचार क्यों आया। अक्सर मुझसे ये पूछा जाता था कि आपकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है, पढ़ना उसके साथ शीशा। आखिर बहुत सोच समझने के बाद एक विचार दिमाग में आया, क्यों ना सुई से कुछ लिखा जाए। सो मैंने सुई से स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला को करीब 2 से 2.5 महीने में पूरा किया। यह पुस्तक भी मिरर इमेज में लिखी गई है और इसको पढ़ने लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स में पेज पर शब्दों के इतने प्यारे मोतियों जैसे पृष्ठों को गुंथा गया है जिसको पढ़ने में आसानी रहती है। और यह सुई से लिखी मधुशाला दुनिया की अब तक की पहली ऐसी पुस्तक है जो मिरर इमेज व सुई से लिखी गई है। मेहदीकोन से लिखी गई गीतांजलि जितंजलि। पीयूष ने एक और नया कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने 1913 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि को मेहदी के कोन से लिखा है। उन्होंने 8 जुलाई 2012 को मेहदी से गीतांजलि लिखनी शुरू की और सभी 103 अध्याय 5 अगस्त 2012 को पूरे कर दिए। इसको लिखने में 17 टन तथा 2 नोटबुक प्रयोग में आई है। पीयूष ने श्री दुर्गा सप्तशती अवधि में सुंदर कांड आरती संग्रह हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में श्री साई सच्चरित्र भी लिख चुके हैं। रामचरितमानस, दोहे सोरठा और चौपाई को भी लिख चुके हैं। कील से लिखी पीयूष वाणी। अब पीयूष ने अपनी ही लिखी पुस्तक पीयूष वाणी को कील से A4 साइज की एल्युमिनियम शीट पर लिखा है। पीयूष ने पूछने पर बताया कि कील से क्यों लिखा है, तो उन्होंने बताया कि वे इससे पहले दुनिया की पहली सुई से स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला को लिख चुके हैं, तो उन्हें विचार आया कि क्यों न कील से भी प्रयास किया जाए। सो उन्होंने A4 साइज के एल्युमिनियम शीट पर भी लिख डाला। कार्बन पेपर की मदद से लिखी पंचतंत्र, कार्बन पेपर रिटन पंचतंत्र। गहन अध्ययन के बाद पीयूष ने कार्बन पेपर की सहायता से आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र के सभी 5 तंत्र 41 कथा को लिखा है। पीयूष ने कार्बन पेपर को जिस पर लिखना है के नीचे उल्टा करके लिखा, जिससे पेपर के दूसरी ओर शब्द सीधे दिखाई देंगे, यानी पेज के एक तरफ शब्द मिरर इमेज में और दूसरी तरफ सीधे